सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मेडिकल स्टोर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कफ सिरप। ये किस तरह के होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर और ये किस तरह की कफ के लिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने चैनल के बारे में कि इस चैनल में मैं आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और इंशाल्लाह देता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कफ सिरप के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जानें कि कफ क्या चीज़ है, हमें खांसी क्यों होती है, कफ किस लिए होता है। दरअसल होता यह है कि जिस्म के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, और वो बैक्टीरिया से बाहर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जा सकते। इस वजह से इंसान को कफ होती है। अगर आपको कफ होती है तो आपका मुँह खुलता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बाहर आते हैं। तो इसके अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसके मुताबिक टेबलेट और सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिरप किस तरह के आते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं। ये आप देख सकते हैं, तकरीबन ज़्यादातर अमूमन चलने वाले शरबत हैं जो कफ के लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोसुम, कोसुम ई की। ये देखें आप, कोसुम सिरप इस तरह की पैकिंग होता है और इसमें जो प्लेन आता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये आप देखें, उर्दू में भी इसमें लिखा है, डोज सारे बच्चों के हिसाब से, एडल्ट के हिसाब से लिखा होता है इसके ऊपर। ये आप इस तरह की पैकिंग देखें, ये अंदर से दिखाता हूँ। कोसुम बिल्कुल बॉटल इस तरह की होती है। इसकी प्राइस है 57 पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ म्यूकोनोल एक्सपेक्टोरेंट सिरप। कफ सिरप जितने आते हैं ये तकरीबन दो तरह के आते हैं, एक एक्सपेक्टोरेंट आता है, एक नॉर्मल आता है। एक्सपेक्टोरेंट जो आता है ये होता है आपकी सीने की खांसी के लिए, जो खुश खांसी होती है सांस की तरह, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ ब्रेटानिल सिरप। ये अमूमन ज़्यादातर बच्चों में डॉक्टर एडवाइस करता है क्योंकि इसमें नींद बिल्कुल नहीं होती, ये एलर्जी की तरह सिरप होता है। ये आप देखें पैकिंग इस तरह की है और इसकी प्राइस है 44 रुपीज़। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेक्टस सिरप। ये पेक्टस सिरप जो है ये शुगर फ्री होता है। अगर आप शुगर के भी पेशेंट हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबरोस कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है इस तरह की पैकिंग। ये 65 रुपये इसकी प्राइस है। ये आप देखें डोज भी इसके ऊपर मेंशन है। उसके अलावा अगर आपको डोज समझ नहीं आता आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद पेंटोलिन में दो शरबत आते हैं, होते दोनों ये शुगर फ्री हैं। शुगर के पेशेंट भी पी सकते हैं और ये बच्चे भी पी सकते हैं, चाइल्ड के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। जो ये सिरप है ये है 70 रुपीज़ और ये है 52 रुपीज़। ये आप देखें पैकिंग इसकी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक एक्सपेक्टोरेंट है और एक सांस के लिए है। अगर आपको खांसी हो रही है आप एक्सपेक्टोरेंट इस्तेमाल करें। अगर आपका सांस है, खांसी नहीं है, सांस हो रहा है आपका, दमा वगैरह भी जिसे कहते हैं, तो वेंटोलिन आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सिरप के बारे में तो जानते होंगे, हाइडालिन, हाइडालिन डीएम। हाइडालिन के अंदर तीन शरबत आते हैं, एक हाइडालिन सिंपल आता है जो नॉर्मल खांसी के लिए, उसके लिए हाइडालिन डीएम आता है। ये ड्राई खांसी के लिए, आपका बलगम वगैरह आ जाता है उसके लिए है, क्योंकि इसके अंदर एक फार्मूला डेक्सोमेथाक्रोम भी इस्तेमाल हुआ है जो आपके बलगम को बाहर फेंकता है। और एक आता है शुगर फ्री, क्योंकि शुगर के पेशेंट ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए एक इन्होंने डिफरेंट सिरप लॉन्च किया हुआ है, हाइडालिन शुगर फ्री। इस तरह की पैकिंग है और ये तकरीबन तीनों की प्राइस 70 रुपये है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ एसी फाइल सिरप। एसी फाइल भी दो आते हैं, एक एसी फाइल नॉर्मल आता है कफ कोल्ड ट्रीटमेंट के, और एक आता है रेस्पिट्राई, मतलब सांस वाली खांसी के लिए। ये आप देखें, अगर आपके बच्चे को नॉर्मल है, खांसी सांस नहीं हो रहा, तो आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ सिरप जो नॉर्मल रेड कलर की पैकिंग में आता है, उसके अलावा सांस हो रहा है, सांस का भी मसला है, तो आप ऐसी फाइल इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने बच्चों को। उसके अलावा मैं बात करता हूँ कोरेक्स टी और कम्बिनोल, कम्बिनोल ई सिरप के बारे में आपको बताता हूँ। कोरेक्स ई और कम्बिनोल डी तकरीबन सेम ही फार्मूला है, डिफरेंट है कंपनी का इसके अंदर, लेकिन इन दो सिरप के अंदर नींद बहुत होती है, क्योंकि इसमें भी नींद का फार्मूला ऐड हुआ हुआ है, डेक्सोमेथाफोन, ये दोनों इसमें ऐड है, कोरेक्स डी में भी, कम्बिनोल डी में भी। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको नींद ना आए तो आप ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी नींद होती है। और कम्बिनोल ई एक्सपेक्टोरेंट सिरप है,
ये इसकी प्राइस 60 रुपये है तीनों की, और कोरेक्स टी जो है ये थोड़ा महंगा है, 75 रुपीज़, क्योंकि ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है फाइज़र, तो इसको मैन्युफैक्चर करती है इसलिए थोड़ा महंगा है। और अब एबर्ट के सिरप की बात करता हूँ, एबर्ट के सिरप आते हैं कफ के लिए नॉर्मल, तो एक रोंडेक्स सी है, कफ कोल, कफ कोल जो है फ्लू, कफ, कोल्ड, फेवर तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा भी है, 70 रुपीज़। और जो रोंडेक है ये इस्तेमाल होता है खांसी के लिए, कफ के लिए सिर्फ, ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ज़्यादातर नींद भी नहीं होती। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ विनेक्स, ये विनेक्स है फार्माटेक कंपनी का, शुगर फ्री में आता है, ये इसकी पैकिंग है इस तरह की, 65 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और ये जो फार्मूला है वेंटोलिन वाला है, सेल्पोमीटा मोल, ये वेंटोलिन और ये सेम है। और आप देख सकते हैं हर्बल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ये दो सिरप मिलेंगे, एक तूस सिया जो आप जानते ही होंगे, उसके अलावा इसमें आता है लसानी का तूस सिया प्लस मिलेटी, कि आपको कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये होम हर्बल होते हैं, मेडिकेटेड नहीं होते हैं, ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी आपके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें। और इसकी प्राइस है 90 रुपीज़, और जो आपका है प्लस मिलेटी वाला, इसमें मिलेटी ऐड की हुई है, ये है 105 रुपये का। इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट के लिए बिल्कुल नॉर्मल सिरप है पिरीटोन, पिरीटोन एक्सपेक्टोरान है, शुगर फ्री है, लेंटस है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर शुगर फ्री होता है, शुगर के पेशेंट इसको 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी प्राइस भी बिल्कुल कम ही होती है, 36 रुपये, ये अभी इसकी लेटेस्ट प्राइस है, एक महीना पहले तकरीबन 30 रुपीज़ थी। उसके बाद बात करता हूँ आई वी वाई फार्मूले की, ये लॉन्च नया फार्मूला हुआ है कफ के लिए आई वी वाई, ये आप देखें 4-5 कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चर करती है, आई वी वाई लीफ एक्सपेक्टोरान सिरप है, ये बहुत बेहतरीन कफ के लिए सिरप है, इसके अंदर ऑल कफ फिकेट्स कंपनी का है, और सरल कंपनी का एलेक्सिया के नाम से आता है, ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए इसकी रनिंग कम है, एलेक्सिया जो है सरल वाला 150 का है, और जो गेट्स का 175 का, चीज़ दोनों सेम है बिल्कुल ये। इसके अलावा हेलेक्स कंपनी इसमें बनाती है, ये हेलेक्स कंपनी का आता है टेस्कोलिन के नाम से, ये आप देखें, ये भी आई वी वाई फार्मूला है, शुगर फ्री होता है, अल्कोहल फ्री होता है, मतलब इसमें कोई नींद नहीं है, ये फार्मूले के अंदर बिल्कुल ये इस तरह है जैसे नॉर्मल दवाई बंदा इस्तेमाल करता है वही बिल्कुल है। और इसी आई वी वाई में आता है कफ ड्रॉप ड्रॉप, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं जिनको आप दवा नहीं दे सकते उनके लिए लॉन्च हुआ है, ड्रॉप फॉर्म के अंदर है, आई वी लीफ है ये भी, ये आप देखें लिखा हुआ भी है, और इसमें डोज भी लिखा होता है बच्चों का 6 मंथ टू 5 मंथ, 6 महीने से लेके जो बच्चा है आपको उसको कितना डोज देना है, और 5 से बड़ों को कितना देना है, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अमूमन डॉक्टर 5 साल से छोटे बच्चों को एडवाइस करता है, क्योंकि वो ड्रॉप के बिना दवाई नहीं पीते, मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी पैकिंग आप देखें, ये भी थोड़ा महंगा होता है 195 का, लेकिन चीज़ बड़ी बेहतरीन है। उसके बाद बात करता हूँ खुश खांसी की, खुश खांसी बच्चों को हो रही है, बड़ों को हो रही है, उसके लिए एक सिरप आता है वुडवर्ड्स का बेबीनोल के नाम से, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग है, वुडवर्ड्स कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, और इसकी प्राइस है 44 रुपीज़, इस पर लिखा हुआ भी है, उर्दू में भी आ सकते हैं, खुश खांसी की मौसर दवा एंटी ट्विस, मतलब खुश खांसी के लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की मेरी वीडियो, पिरीटोन, ओलका, तूसिया, तकरीबन हर तरह के चलने वाले जो सिरप हैं वो मैंने आपको दिखाए, उनके बारे में बताया है, ये आप देख लें ताकि आपको मालूम हो कि कब सिरप किस तरह के आते हैं और क्या इसके अंदर डिफरेंस होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर तरह की मालूमात मेडिसिन के बारे में मिलती रहे। शुक्रिया।